हे फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम सुनने वाले अपना दौर। देखिए, हमने ये केके थाउजेंड जी का हमने अब तक दो सॉन्ग सुना। एक में तो वो डिस्क के पार्ट थे, जब चैन के जी भी थे, पोटेटो भी गैंग भी थी, उसमें आई थिंक हमने देखा था, राइट? फर्स्ट टाइम मुमताज आई थिंक नहीं थी उसमें। यंगस्टर्स का जब डिस्क चल रहा था चैन के जी के साथ, वहाँ पर जब उनकी फाइट चालू थी, बीफ चालू था, तब हमने अगेंस्ट में देखा था उन्हें, मीन्स चैन के और पोटेटो भी जी के साथ, जो गैंग है ना उनके साथ देखा था हमने। और उसके बाद फिर हमने माई प्लेस लास्ट सॉन्ग सुना था इनका, उसमें हमने इसे इन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करते हुए देखा था। वहाँ से हमें फिर इस सॉन्ग को लेकर बहुत रिकमेंडेशन आ रही थी। फाइनली हम इन्हें फिर से सुनने वाले हैं। मेरे साथ यहाँ पे मुमताज, पीछे बड़े सलमान, उस साइड है अरिबा, मैं आपका जोहान। हम फिर से इन्हें एक्सपीरियंस करेंगे। लेट्स सी यार, बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट है। मीन्स इतने छोटी एज में अड़नों के, मीन्स इतने स्ट्रॉन्ग बार्स, इतने स्ट्रॉन्ग लाइन्स इंसान कैसे ला सकता है, मीन्स इट्स अमेजिंग। सो वापस एक्सपीरियंस करेंगे, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। मीन्स हमारा थर्ड सॉन्ग जो हम इन्हें सुनने वाले, साथ में आसिफ बल्ली जी, इनका भी हमने दो ही सॉन्ग सुने अब तक सिर्फ। ओके, स्टार्ट करते हैं। और थैंक यू सो मच, आपने जो रिकमेंड करते हो बहुत अमेजिंग सॉन्ग्स होते हैं, और आप जो सजेस्ट करते हो हम ज़्यादातर वही सॉन्ग सुनते, ज़्यादातर मतलब सब वही सुनते, सब वही सुनते, आप सबके सजेशन आते हैं वही सब हम फॉलो करते हैं, और बहुत अमेजिंग होता है, हमें कुछ ढूंढना नहीं पड़ता। और आपने जो फैमिली इतनी फास्ट ग्रो किया उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना दौर सुनना। आप सब तैयार हो? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम, ये स्टे होम, ये क्या क्वारंटाइन के टाइम भी, कोरोना के टाइम भी, कोविड 19 के। कराची मिल जाए, कराची से बहुत सारे रैपर्स हैं, मैं बार बार डिस्टर्ब नहीं करूंगा आप लोगों, बट कराची से बहुत सारे रैपर्स हैं। फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तानी रैपर्स को सुनना स्टार्ट किए थे, तला अंजुम जी, तला अनुज जी, हम इन सबको सुनना स्टार्ट किया, उसका चैन के, पोटेटो भी गैंग, सबको सुना हमने। बट जहाँ तक मुझे पता है, तला अंजुम, तला अनुज जी भी वहीं से, उमर अंजुम जी, उनके जो भाई लगते तला अंजुम जी के, वो भी वहीं से, और फिर तैमूर बेग जी भी आई थिंक वहीं से। तो बहुत से रैपर्स मुझे कराची से सुनने मिलते हैं, अभी इन भी आई थिंक कराची से ही आज मुझे पता चल रहा है। आप क्लियर कर सकते हो कि अगर कुछ और है? ओके, टोकरी में सांप नहीं है, मैं सुपर से भी ऊपर होने वाला स्टार हूँ भाई। माइक पकड़ के बातें चार करके स्टेज को मैं हिला दूंगा, मेरा रैप करके 5 से 6 कभी 7 से 8 तक। नलों में पानी नहीं है कराची में, शार्ट सब मुझसे कर बात, अब मैं हूँ तेरा बाप, अब हमें है बलोच साहब, मुँह पे करते बात सर। सच से हमें न डर लगे, सौजन ऐसी बला जिसका कोई हल ना दे, करूंगा फ्री स्टाइल चाहे कोई भी दे दे। मैं सुनता बस रैंस आग, मेरा फ्लो फेंके मेरे मोबाइल में देख, ना सुनता रैपर कुछ फेंक, मैं बना रैप के लिए ही मेरा एक ना देख। बोला था आऊंगा बैक और देखो लाया हूँ ट्रैक, कराची वाला गेम ऑन हुआ, आगे तो देख, आगे तो देख, मैं कैसे करता सीन ऑन, मुझे ना समझ नो दुकान में हूँ सिंग टोन, मुझे ना समझा दू नोडी खान, नोडी खान में से इंडिया के जो छोटे हैं, मैं अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, उन्हें भी सुन के जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे डिस भी चल रहा है, वो बीफ स्टार्ट भी थी क्या भाई, फिर उसके बाद बताइएगा, मजा आएगा, उन्हें भी एक्सपीरियंस करना है, अभी तक हमने सुना नहीं उन्हें। क्या बात है, कौन कौन रैप जानता है, जो रैप जानता है वो ही जानता है मैं हूं कौन, असली धुन से देख कभी तो ना आएगा, मेहनत करेगा तो रंग असली आएगा। क्या बात है, बाकी गाएगा पूरा लेरी गाएगा, 1 2 3 मेरे साथ बोलो अब क्या, अपना टाइम नहीं अपना दौर आएगा, गाड़ी को लगे कुछ ना कर पाएगा, चुप बैठेगा तो कैसे शोर आएगा, टाइम नहीं आता खुद ही लाना पड़ता, अपना टाइम नहीं अपना दौर आएगा, गाड़ी को लगे कुछ ना कर पाएगा। मिले सब कुछ कामयाबी आती नहीं चल के बेटा, वो सुना होगा तूने आता दुख के बाद सुख, खाते हुए भी समझाऊं ये है मेरा लोग, जंगली पाना समझ या समझ चाहे कुछ, आजकल के रैपर्स निशाने हैदर वाला राशिद मिनाज में, उड़ता चील जैसे नजर हो शिकार पे, फुल कार में रैपरों को चील दे, हमें लियारी वाले पूरे कराची का दिल बे, खड़ी दिल पे पैर रख के चलना सीखा, 7 साल की उम्र में पहना पहला जूता, तेज बारिश 7 साल की उम्र में पहने बिना पहला जूता, तो मैं बिना चल सो किसी का, जो मैंने सीखा बुरे हालात का है नतीजा, उसको ना समझ कम तुझ में भी हुनर है, उसे निकाल बाहर जो तेरे अंदर है, वरना तू बंजर है, असली बंदे दंपर है, मिट्टी को सुल्तान और कलम मेरा खंजर है, कराची बोले बेटा बूंदे, नकली बहुत दूर बेटा असली को भी बूंदे, पर मैं जैसे मून पे बैठा हूँ सकून से, मुझे वो सिखाने चले जो है खुद ही धूप पे, जैसे मैं तीर हूँ कमान पे, मेहनत से पहुंचेगा मुकाम पे, पावर है भाई यार ये, पता पावर नहीं है कब आए, फायदा उठा अपनी जान से, जान के किल को उल्टा मत ठोक,
दिल को रख तू साफ वरना खुद पे है तू बोझ, मेहनत करेगा तू मिले तालियां भी बहुत, आगे वाला हो मेरे साथ में तू बोल क्या। अपना टाइम नहीं अपना दौर आएगा, घड़ी को ना दे कुछ ना कर पाएगा, खुद बैठेगा तो कैसे शोर आएगा, टाइम नहीं आता खुद ही लाना पड़ता। अपना टाइम नहीं अपना दौर आएगा, घड़ी को ना दे कुछ ना कर पाएगा, खुद बैठेगा तो कैसे शोर आएगा, टाइम नहीं आता खुद ही लाना पड़ता। Assalamualaikum guys, मेरा नाम थाउजन है और हमारा गाना आपको कैसा लगा? अगर अच्छा amazing लगा भाई, सब्सक्राइब करें डार्क स्ट्रीट को, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें, थाउजन को सपोर्ट करें और आसिफ अली को सपोर्ट करें, डार्क स्ट्रीट को सपोर्ट करें और कोरोना वायरस की वजह से घर में से बाहर नहीं निकले और घर में बैठ के हमारे गाने को एंजॉय करें amazing और अपना ख्याल रखें कोरोना वायरस की वजह से, ये ना हो कि आपके फैमिली को किसी को नुकसान हो जाए और ये चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और घर में रहें। गुड लक। क्या बात है यार, क्या बात है यार, वाकई में यार मीन्स जो टैलेंट होता है ना वो एज का कुछ क्या कहते हैं उसका मीन्स उसको कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। मीन्स अगर आप में टैलेंट है ना तो अगर आप 5 साल के हो, 10 साल के हो तो या फिर 35, अगर आप नल्ले हो तो आप 35-45 में भी नल्ले रहोगे और अगर आप हो ना कुछ तो लाइफ में कभी ना कभी हो सकता है लेट करोगे लेकिन करोगे ज़रूर। KFC कब बना था? 62-67 की एज में उन्होंने स्टार्ट किया था, वो ब्रांड को स्टार्ट किया था। तो मीन्स कोई मैटर नहीं करता, आपकी किस्मत जब होगा, आप लगे हो ना लगे रहे जो मीन्स वो सॉन्ग, तो मीन्स आप लगे रहोगे ना किसी ना किसी, किसी को जल्दी मिलता है सक्सेस, किसी को लेट मिलता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है, आपको मिलेगा ज़रूर, आप अगर हकदार हो उसके तो आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप लगे हो। यार आसिफ अली जी ने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे, देखो नो डाउट थाउजेंड जी बहुत अमेजिंग लगे, बहुत ऑसम टैलेंट है, बहुत छोटे एज में मुझे पता है इनका फ्यूचर काफ़ी कतई जहर बवाल है और बहुत ब्राइट रहने वाला है, बट पर्सनली मुझे आसिफ अली जी के लाइंस जो लगे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन से भरे हुए, एकदम चार्ज वाले थे, मुझे काफ़ी मज़ा आया उनके लाइंस सुनने, मुझे इस तरह के लाइंस काफ़ी पसंद आते हैं, मोटिवेशन के जो आते हैं ना पंच थप्पड़ की तरह, वो काफ़ी सही लगते हैं मुझे और मैं इसमें बिलीव करता हूँ जो सारी जो चीज़ें उनने कही है। सो इट्स अमेजिंग, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं इनके और भी सॉन्ग सुनना चाहूँगा, प्लीज़ आप सजेस्ट करें और आपकी इमोशंस क्या, आपकी फीलिंग क्या, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, बहुत सारी चीज़ आप हमें समझा सकते हो कमेंट्स में, हम जानना चाहेंगे यहाँ पर सलमान मुमताज़ आरिफ भाई को कैसा लगा। बहुत बहुत मस्त सॉन्ग, बहुत ही अच्छा सॉन्ग, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि ये इतने छोटे हैं बट इनकी थिंकिंग लेवल कितनी बड़ी रहेगी, बड़े बड़े लोग नहीं सोच पाते ये चीज़ और वो सोच के लिख देते, लाइक बहुत बहुत अमेजिंग। और दोनों ही रैपर बहुत ही अच्छे थे और मैंने इनका पहले भी जो वो सॉन्ग सुनी थी माय प्लेस, उसमें भी इनने बहुत अच्छे किए थे और आसिफ अली जी ने भी बहुत अच्छे किए थे और इसमें भी बहुत ही अच्छा। मुझे सॉन्ग बहुत अच्छा लगा और मैं पहले भी सुन चुका हूँ और नोटी खान को भी सुन चुका हूँ, नोटी खान के पहले गाना सुन चुका हूँ, नोटी खान भी फेमस ही है, ये डिस भी सुन चुका हूँ नोटी खान के ऊपर, नोटी खान के ऊपर है इसका डिस जितना मैंने सुना मेरे हिसाब से, तो उनके तरफ से भी आ रहे नोटी खान ने तो मेरे हिसाब से अभी गाना बंद कर दिया, मैंने ज्यादा उसका रैप सुना नहीं, अभी तो आता भी नहीं उसका ज्यादा रैप, हाँ ये मैंने सुना हुआ पहले भी लेकिन अच्छी तरह याद नहीं, चुकी पहले सुना था मैंने, अभी तो सुना था अच्छा लगा। और नोटी खान का भी अच्छा सॉन्ग है बहुत, उसके बहुत कम है मेरे हिसाब से, अभी तो बंद ही कर दिया, अभी बहुत बड़ा हो गया ना इसके लिए, इसका अच्छा है, अभी इसके बहुत सॉन्ग चल रहे हैं इसके भी, बहुत अच्छा लगा भाई, इतनी सी छोटी उम्र में इतनी सी छोटी उम्र में इतनी अच्छी लाइन फुल सॉन्ग के साथ में चल रहा है और क्या बोल रहा हूँ, नहीं आस अरे उसकी बात कर रहा हूँ, छोटा धमाका है भाई ये तो भाई, मगर अपन रैप बनाते खाली लिखते और फिर बोलने तो होता नहीं अपने को, वॉइस चाहिए, वॉइस एक नंबर है भाई की, समझ रहे हो, मतलब आरिफ भाई भी रैप बना रहे लेकिन बोलने नहीं हो रहा है, तो इट्स लाइक दैट, ठीक है कोई बात नहीं, आप बोल लोगे भाई कोई बात नहीं, लगे रहो बस, ठीक है, थैंक यू सो मच आपने अभी तक यहाँ तक हमें ज्वाइन किया उसके लिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ भी कट नहीं होता हमारी वीडियोस में, सब वन टेक चलता है, कुछ भी गलती होगी वो भी चल जाता है, तो आप एक्सेप्ट करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच, आप कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग जरूर शेयर कर सकते हो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।